माननीय उत्तर प्रदेश के नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, जो देश की सबसे बड़ी आबादी के लोग, 80% ज़्यादा आबादी के लोग खेती किसानी मजदूरी पर निर्भर करते हैं, उनके लिए एक संदेश यात्रा निकाला है। चूँकि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसमें किसान मजदूर एकदम बेहाल है, एकदम परेशान है, और उनकी पीड़ा को देखते हुए उनके बीच में जाने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने प्रदेश के हमारे अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी को इसमें ये किसान नौजवान पटेल यात्रा जो निकालने का काम किया है, जिससे उद्योग जुड़े हैं, जिससे रोजगार जुड़े हैं उसके लिए, और 29 तारीख से लेकर लगातार आज 6वां दिन है। आज ये यात्रा मतलब सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, राजगुंडा में हम हैं, कल अयोध्या में ये कार्यक्रम होगा और पहले चरण का समापन होगा। इसका बड़ा अच्छा संदेश आ रहा है। हम सब लोग, पूरी टीम के बहुत सारे लोग चल रहे हैं और जिस जनपद में जा रहे हैं अपार समर्थन है, पूरी काफिला का काफिला। और जब काफिला निकलता है गाड़ियों का तो रोड पे छात्र, नौजवान, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब लोग इतने प्रेम से आने का काम कर रहे हैं। चूँकि इस समय योगी जी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और मोदी जी की सरकार से पूरा प्रदेश और पूरा देश परेशान है और सब एक उम्मीद की निगाह रखे हुए, एक उम्मीद की किरण देख रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी में कि माननीय अखिलेश यादव जी पूरे प्रदेश को बचा सकते हैं और जब समय आएगा तो सकता देश को बचाने का काम करें। उसी उम्मीद के साथ अब मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस समय जितना किसान परेशान है, जितना मजदूर परेशान है, जितना नौजवान परेशान है, जितना बेरोजगार परेशान है और जितना ही व्यापारी परेशान है, और सच बात तो ये है कि जो सरकारी नौकरी पा गए वो कर्मचारी भी परेशान है। आज वो भी, उनका भी कोई पुरुषा हाल नहीं है और पूरा आक्रोश सड़कों पर दिख रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को जो लगाने का काम किया, कहीं ना कहीं ये जनता के सुख दुख के भागीदार भी बन रहे हैं और एक संदेश देने के साथ ही साथ 2022 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का काम भी करेंगे। इस पहली ही चरण की यात्रा ने पूरे उत्तर प्रदेश में संदेश देने का काम किया है, ये मैं कहना चाहता हूँ भारत न्यूज़ के माध्यम से, आप सब साथियों के माध्यम से। देखिए, सच बात यह है कि ऐसी स्थिति रही, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको बांटने का काम किया गया है। जो पिछड़े समाज के लोग हैं, खासकर यादव है, कुर्मी है, मौर्या है, कुमार है, राजभर है, निषाद है, हम सब लोग एक वर्ण व्यवस्था में इसे कहाँ से व्यवस्था बनाएगी उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम लोग भाई भाई हैं। याद करिए चौधरी चरण सिंह के ज़माने में सब लोग एक रहते थे। चौधरी साहब को जाट जाट मानता था, यादव यादव मानता था, कुर्मी कुर्मी मानता था, गुजर वो भी गुजर मानता था। ठीक उसी तरह से माननीय मुलायम सिंह यादव इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके सब लोग मानते थे। बीच में कुछ ऐसी दुश्मनियाँ हुई मिथ्या प्रचार करके, जिस तरह से झूठी और मक्कार सरकार है, जिस तरह से लोगों को भरमाने का काम करती, उसी तरह जातियों को भी लड़ाने का काम किया और उन जातियों को लड़ाने में वो काफ़ी हद तक सफल भी रहे। उसी तरह आप देखिए यादव और पटेल की कुछ दूरी हो गई, हम बड़े खुले मन से कहना चाहते हैं, लेकिन आज जो यात्रा निकली है, आज चूँकि हमारे समाज के लोग पटेल, हम भी पटेल समाज से हैं, कुर्मी समाज से हैं, हमारे समाज के लोग भी इस चीज़ को महसूस किए हैं कि अगर हित है तो हम समाजवादी पार्टी के साथ रहें, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में रहें, वही इस समय लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। चूंकि आप देख रहे हैं प्रदेश में विपक्ष में कोई पार्टी नहीं है जो कि संघर्ष करने का काम कर रही है, जो लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, जो उनके खिलाफ बोलने का काम कर रही है।